नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस फोटो हब में। तो ऑल न्यू थार आपके ठीक सामने खड़ी है और दोस्तों यह है इसका एक्स ऑप्शनल कन्वर्टिबल डीजल वेरिएंट जो आप ठीक सामने देख पा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लुक्स और ये ब्लैक कलर की जो थार है बहुत ही एक बढ़िया लुक आपको देती है। दोस्तों इसका जो ये बेस मॉडल हम लोग ज़रूर कह सकते हैं क्योंकि एक्स और एलेक्स दोनों ही आपको एक बेस और टॉप के नाम पे देखने को मिलते हैं और ये एक्स ऑप्शनल वेरिएंट है। 4x4 के साथ ये भी आपको ज़रूर देखने को मिलता है और दोस्तों आप देख सकते हो ओवरऑल इसकी लुक बहुत ही बढ़िया है। ब्लैक कलर की थार तो बहुत ही डिमांड में है और ये कन्वर्टेबल है जो आप देख सकते हो। ऊपर इसमें जो है नॉर्मल जो है कपड़े वाला सिस्टम दिया हुआ है कन्वर्ट करने के लिए। बाकी हार्ड टॉप का वेरिएंट आपको एक्स वेरिएंट में ज़रूर मिल जाता है और पीछे जो है आपको बढ़िया सी जो है टेल लाइट्स भी ऑफर की गई हैं और ओवरऑल आप लुक देख सकते हो कितनी ऊंची और कितनी एक बढ़िया लुक प्रोवाइड करती है गाड़ी। दोस्तों अगर सबसे पहले प्राइसेस की अगर बात करते हैं तो 12.78 लाख रुपीस से 15.08 लाख तक है इसकी एक्स शोरूम प्राइसेस और एक्स ऑप्शनल डीजल वेरियंट आपको जो है 15,25,000 रुपये ऑन रोड पड़ता है। वहीं अगर आप इसका एलेक्स कन्वर्टिबल डीजल वेरिएंट लेते हैं तो वो आपको करीब 16 लाख रुपए का पड़ता है जबकि हार्ड टॉप में थोड़ी सी इसकी कीमत 10,000 रुपए का डिफरेंस है। बाकी आप देख सकते हो द फ्रंट में आपको जो है महिंद्रा की बैजिंग के साथ बढ़िया से दो हेलोजन से बढ़िया हेडलैम्प देखने को मिलते हैं। दोस्तों प्रोजेक्टर्स आपको ऑफर नहीं होते और इनका थ्रो काफ़ी अच्छा है और आपको पार्किंग लैम्प भी दिया गया है अलॉन्ग विद द इंडिकेटर्स। नीचे आपको फॉग लैम्प्स वगैरह प्रोवाइड नहीं हुए, ये आपको एलेक्स में देखने को मिलेगा। दोस्तों एलेक्स मॉडल और एक्स मॉडल में केवल आपको 75,000 रुपीस का डिफरेंस में देखने को मिलता है मगर जो फीचर्स हैं आपको एलेक्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये एक तरह से थार का बेस मॉडल है मगर ये बेस मॉडल आपको कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं इन द टॉप मॉडल। तो आप ओवरऑल इसका जो बोनेट का वो भी है देख सकते हो कितना बढ़िया है और R16 साइज़ का टायर आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया है जो। और R18 आपको एलेक्स में मिलेगा, ये इसके जो टायर्स के विड्थ हैं काफ़ी अच्छे हैं और सस्पेंशन आप देख सकते हैं का ऊंचाई पे है बिल्कुल और थार की ये बढ़िया सी बैजिंग सबसे पसंदीदा। बाकी मैनुअली एडजस्टेबल मिरर आपको एक्स में आते हैं जबकि एलेक्स में जो है आपको पावर एडजस्टेबल ऑफर किया जाता है। दोस्तों पीछे बढ़िया सी 4x4 की बैजिंग भी दी हुई है, अभी इसका 4x2 वेरिएंट भी ज़रूर आना है, टू व्हील ड्राइव भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी हम लोग को। और बाकी आप पीछे देख सकते हो बढ़िया से थार के LED टेल लाइट्स दोनों साइड और नीचे आपको बढ़िया सा एक नंबर प्लेट पे भी लाइट मिलती है और जैसे ही इसके बूट को ओपन करके देखेंगे आपको बहुत ही थोड़ा सा बूट स्पेस देखने को मिलेगा, कैमरा का एडजस्टमेंट गड़बड़ हो गया। आप ओवरऑल देख सकते हो कुछ ऐसा सिस्टम है यहाँ पे लाइट्स की वजह से और थार जो ब्लैक कलर की है बहुत ही एक शानदार लुक दे रही है, बिल्कुल ही डार्क डार्क। तो ओवरऑल अब इसके और फीचर्स की भी बात करते हैं तो आप देख सकते हो फ्यूल टैंक भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एम स्टेलियन की बैजिंग भी दी हुई है 150 एम स्टेलियन। मेन अगर इंजन स्पेक्स की अगर आप बात करते हैं तो 2.2 लीटर का डीजल एंड 2 लीटर का आपको पेट्रोल ऑफर किया जाता है। दोस्तों ऑटोमेटिक का वेरिएंट आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में ही देखने को मिलता है। तो अब इसके सबसे पहले हम लोग फ्रंट डोर को ओपन करके देखते हैं तो बढ़िया सी आप देख सकते हैं डोर पर बढ़िया थार की बैजिंग है, पावर विंडोज जो है आपको उस साइड दिए हुए हैं और ये वन टच ऑपरेटिंग पावर विंडोज भी नहीं है। एंटी पिंच का ऑप्शन आपको टॉप एंड में भी नहीं मिलता है इस गाड़ी में और ये लॉक अनलॉक के लिए दिया हुआ है, पूरा हार्ड प्लास्टिक का यूज़ इस गाड़ी में किया गया है। और नीचे जो है आपको एक बढ़िया सा एक बॉटल होल्डर अलॉन्ग विद सम स्पेस और ये हाइट एडजस्टेबल सीट आती है। दोस्तों ये फीचर काफ़ी अच्छा है, इवन इन द बेस मॉडल आपको हाइट एडजस्टेबल सीट दी जाती है और ये है हमारी बढ़िया सी ग्राउंड क्लियरेंस वाली थार, जैसे चढ़ेंगे ना तुरंत बहुत ही बढ़िया फील आता है इसमें। और आप देख सकते हो ये इसका जो कन्वर्टेबल है इसमें आपको कुछ ऐसे कपड़े वाला सीन देखने को मिलता है। दोस्तों ओपन करके बहुत ही बढ़िया लगेगी ये थार चलाने में, हार्ड टॉप वेरिएंट की बट डिमांड ज़्यादा है। अब इसमें बैठ के देखते हैं तो ओवरऑल ये है थार का एक्सपीरियंस, अभी आपको इंटीरियर फीचर्स भी ज़रूर बताएंगे और रियर सेटिंग्स आप देख सकते हो और ये है इसका, देख रहे हैं आप बहुत ही बढ़िया और ऊपर एक बढ़िया सी रूफ लाइट भी दी गई है। तो ओवरऑल थार का इंटीरियर काफ़ी ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज दिस इज ऑल न्यू थार एक्स ऑप्शनल मॉडल जो आपके ठीक सामने है। दोस्तों ये थार का एक तरह से बेस मॉडल भी कह सकते हैं मगर एक बहुत ही अच्छा मॉडल ये भी है क्योंकि टॉप से जस्ट नीचे वाला ये है। तो आप देख सकते हो MID पे सबसे फीचर्स आप जैसे ही देखोगे तो यहाँ पे आप इसके MID के फीचर्स को एडजस्ट कर सकते हो ये वाली बटन दबा के। यहाँ पे आपको TPRMS
अलॉन्ग विद द जो टायर की पोजीशन वो भी आप देख सकते हो विद व्हीकल ट्रिप मीटर एंड एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। और स्पीडोमीटर आपको डिजिटल भी प्रोवाइड किया जाता है और अलॉन्ग विद द मैनुअल भी है इसमें आरपीएम मीटर के साथ। बाकी आपके व्हील का डायरेक्शन यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ पे लाइट्स का ऑन ऑफ आप देख सकते हो यहाँ पे थ्रो काफ़ी अच्छा है थार में। और जैसे ही जलाओगे तो इसका जो MID का लाइट है वो कम हो जाएगा अपने आप एज अ हाई इंटेंसिटी को देखते हुए। और बाकी जो AC है वो वेंट्स आपको यहाँ पे 4 दी गई हैं और बहुत ही बढ़िया। एक तो हार्ड प्लास्टिक का यूज़ है इसमें। ऑडियो का इंफोटेनमेंट आपको LX वेरिएंट से देखने को मिलेगा। बट दोस्तों इसमें ऑटोमेटिक AC आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है, दिस इज़ अ मैनुअल AC। और बाकी ये है एक बढ़िया सा पकड़ने के लिए। और बाकी ये है एक बहुत ही छोटू सा ग्लव बॉक्स, वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड तो है बट ड्राइवर साइड बिल्कुल नहीं है। तो ओवरऑल आप एक बढ़िया सी रूफ लाइट भी है, ये हाई ये लो डोर्स पे है। और बाकी नीचे दो पावर विंडोज भी दिए हैं। क्रोम का एसेंट आप देख सकते हो गियर बॉक्स पे है और ये 2-wheel drive 4-wheel drive के लिए बढ़िया सा दिया हुआ है दबा के। ये बढ़िया दबाइए और इसको आगे बढ़ाइए। और बाकी मैनुअल गियर बॉक्स है ये। और ये है इसका बढ़िया सा जो आप देख सकते हो 12 वोल्ट्स का आउटपुट चार्जर, दो कप होल्डर भी दिए हैं। रियर सीट्स का एंट्रेंस भी ज़रूर करके देखते हैं दोस्तों। टंबल पोजीशन उस तरफ से, तो सबसे पहले उसी तरफ चलते हैं गाड़ी के। तो सीट्स को आपको यहाँ से जो है एडजस्ट करना है और स्लाइड इन थोड़ा सा आपको इधर से करना पड़ेगा। तो एंट्रेंस कुछ ऐसा आएगा बढ़िया सा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैट वगैरह सब पड़ी हुई है क्योंकि, और ये कुछ है फील। ये काफ़ी अच्छा, एक तो लेग स्पेस है क्योंकि रियर सीट्स को आगे है। और एक्चुअल आप ये देख सकते हो ये कुछ स्पेस है। ओवरऑल थार को एज अ 2-seater ही लोग यूज़ करते हैं। और ये है कुछ, और यहाँ पे आप कुछ ऐसा देख सकते हो, ये इसका रूफ टॉप हट जाता है। चेन का सिस्टम भी यहाँ से दे रखा है यहाँ पे बरेल, तो बहुत ही बढ़िया है। मैनुअली एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है, पीछे ये बूट है, ये ग्लास नहीं है, ओवरऑल एक फाइबर है, पन्नी चढ़ी हुई है इसमें, तो ठीक है दो ओवरऑल थार। लेकिन जो बैठने का पोजीशन है, यहाँ पे आप दो लोग आराम से बैठ सकते हो, तीसरी लोग नहीं बैठ सकते क्योंकि यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, ये थोड़ी स्पेस घेरता है व्हील का। तो ओवरऑल थार बहुत ही बढ़िया है, 4 लोग तो आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन एज अ 2-seater नॉर्मली लोग इसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं क्योंकि बूट नहीं है ना लॉन्ग ट्रिप्स के लिए, आराम से 4 लोग तो बैठ ही सकते हैं। और देखो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं कि ऐसे सीट में करके बैठना नहीं है, इसको रिक्लाइन नहीं करेंगे आप, ऐसे करेंगे। और बढ़िया से सीट पॉकेट्स भी आपको दे रखे हैं। तो थार के इंटीरियर्स काफ़ी ठीक हैं, इवन इन द LX मॉडल आपको जो है एक डिसेंट सा जो है स्पेस भी प्रोवाइड किया जाता है, काफ़ी ऊँची है। स्लाइड आउट करते हैं इसको, पैसेंजर साइड भी बैठ के देखते हैं तो कुछ ऐसा फील आता है, मतलब बहुत ही एक रिच फील है भाई, मानना पड़ेगा। दिस द ऑल न्यू थार। चलिए सो गाइज, अगर आपको थार का कौन सा वेरिएंट लेना है तो मेरे हिसाब से LX वेरिएंट इसका एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहेगा, क्योंकि 75,000 के डिफरेंस में आपको एक तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हिल, और बाकी जो है 7-inch का टच स्क्रीन, अलॉय व्हील्स और एंटी थेफ्ट वगैरह सब मिल जाता है अलॉन्ग विथ फॉलो मी होम। सो गाइज, ये था हमारा वीडियो महिंद्रा थार पर। होपफुली आपको वीडियो जरूर पसंद आया, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल PS Motor Hub।